हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डोमेन्स ऑफ द अर्थ के बारे में। ये तो आप सभी जानते हैं कि अर्थ एक बहुत ही यूनिक प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। वो इसलिए क्योंकि ये एक अकेला ऐसा प्लैनेट है जहां मनुष्य रह सकता है और जो लाइफ को सपोर्ट करता है। अर्थ के तीन मेजर डोमेन्स हैं, लैंड, वाटर एंड एयर। अर्थ का सॉलिड पार्ट या लैंड पार्ट जिस पर हम रहते हैं लिथोस्फेयर कहलाता है। अर्थ का वाटर पार्ट हाइड्रोस्फेयर कहलाता है, जिसमें ओशन, सीज सब आते हैं। अर्थ का एयर पार्ट एटमॉस्फेयर कहलाता है। अर्थ का फोर्थ इंपॉर्टेंट डोमेन है बायोस्फेयर। यहीं पर लैंड, एयर और वाटर मिलते हैं। बायोस्फेयर की वजह से ही अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है, क्योंकि जिसकी वजह से अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है और ये चारों जोन एक दूसरे से मिले हुए हैं, एक दूसरे से अलग नहीं है। हम एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लिथोस्फेयर। लिथोस का मतलब होता है स्टोन। स्फेयर इज एनीथिंग दैट इज राउंड। तो अर्थ का स्टोन या सॉलिड पार्ट लिथोस्फेयर कहलाता है। इसमें सब तरह के लैंडमार्क्स, हाई माउंटेन्स, वैलीज, प्लेन्स एंड प्लेट्यूज आते हैं। जो बड़े लैंडमार्क्स होते हैं वो कॉन्टिनेंट कहलाते हैं और छोटे लैंडमार्क्स आइलैंड कहलाते हैं। आइलैंड चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं। एक्चुअली में अर्थ पर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। उनके साइज के अकॉर्डिंग हम उनको इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया। एशिया कॉन्टिनेंट में इंडिया है, जहां पर कि हम रहते हैं। सेकंड है अफ्रीका। थर्ड कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका। फोर्थ नंबर पर है साउथ अमेरिका। फिफ्थ नंबर पर है एंटार्क्टिका। सिक्स्थ नंबर पर है यूरोप। इनफैक्ट यूरोप एंड एशिया एक ही लैंडमार्क पर हैं, पर प्रैक्टिकली यूरोप को सेपरेट कॉन्टिनेंट कंसिडर किया जाता है। और लास्ट नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, जो कि सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। नेक्स्ट डोमेन है हाइड्रोस्फेयर। जितनी भी वाटर बॉडीज अर्थ पर प्रेजेंट हैं, जैसे कि ओशन, सीज, लेक, रिवर्स, ये सब हाइड्रोस्फेयर कहलाते हैं। अर्थ का 2/3 पार्ट वाटर से कवर्ड है और 25% लैंड पार्ट है। अर्थ अकेला ऐसा प्लैनेट है जहां पानी इतनी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। अर्थ पर 4 बड़े ओशंस हैं। उनके साइज के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा ओशन है पैसिफिक ओशन, सेकंड ओशन है अटलांटिक ओशन, थर्ड नंबर पर है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन अकेला ऐसा ओशन है जो किसी कंट्री के नाम पर है। ये इंडिया के साउथ में है, मैप में देख सकते हैं। फोर्थ ओशन है आर्कटिक ओशन, जो कि सबसे छोटा है। थर्ड इंपॉर्टेंट डोमेन है एटमॉस्फेयर। अर्थ को एयर की एक थिन लेयर ने चारों तरफ से घेरा हुआ है, जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर अर्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अर्थ को सन की अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है। एयर बहुत सारे गैसेस के मिक्सचर से बनी होती है। इसमें 78% नाइट्रोजन है, जो कि प्लांट्स के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और 21% ऑक्सीजन है, जो कि ह्यूमन बींग्स के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और 1% दूसरी गैसेस है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट डोमेन है वो है बायोस्फीयर। लाइफ अर्थ के इसी पार्ट में पॉसिबल है। यहाँ पर एयर, वाटर और लैंड तीनों मिलते हैं। बायोस्फीयर की वजह से ही अर्थ को यूनिक प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि इसी नैरो जोन, जिसको कि हम बायोस्फीयर कहते हैं, में लाइफ पॉसिबल है। इस जोन में बहुत सारे तरह तरह के जीव जंतु, ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स सर्वाइव करते हैं। हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि अर्थ के ये चारों डोमेन्स का बैलेंस बना रहे। हमारी एक्टिविटीज की वजह से ये बैलेंस डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही हार्मफुल होगा।
होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।